ब्रेकबाद भोज प्रदर्शन में पुनः आपका स्वागत है। इंडो अफ्रीका ट्रेडर्स का नए उत्पादन का शुभारंभ भोजपुर में भी कार्यालय करके हुआ। इस अवसर पर हम हाजिर कार्यक्रम के अंतर्गत इस कंपनी के निदेशक मिस्टर विक्रम मिस्टर जॉर्ज ने भोजपुर दर्शन से बातचीत की। आइए सुनते हैं मिस्टर विक्रम और मिस्टर जॉर्ज की बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिदिन एक नए मेहमान से मिलते हैं और अपने देश बिहार और भोजपुर में क्या नई चीज हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज आपको जानकर काफी प्रसन्नता होगी कि हमारे साथ तीन तीन मेहमान एक साथ बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि कहां साउथ अफ्रीका के हमारे मेहमान हैं मिस्टर जॉर्ज और हमारे ही देश के हमारे भाई हैं मिस्टर विक्रम जी बैठे हुए जो MD हैं, और हमारे साथ एक और मेहमान बैठे हुए हैं मिस्टर हर्षित रेव जी। आपको बता दें कि आप हमेशा परेशान होते होंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी की ओर से, समस्त भोजपुर वासियों की ओर से, भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। हेलो कि आपने इससे आरा भोजपुर बिहार में आपने आया, और साथ में आपको बता दें कि दर्शकों, जैसे कि आप हमेशा परेशान रहते होंगे कि आपके मीटर, बिजली के मीटर का बिल ज्यादा आ गया। आप पूछते हैं बिजली विभाग को, क्योंकि बिजली के बिल ज्यादा आ जाने से आप परेशान होते हैं रहते हैं। अब परेशानी की आपकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि विज्ञान में एक और तहलका, और उस तहलका में सबसे पहला शुरुआत अगर हुआ है तो बिहार के अंदर, वो है आपका अपना जिला भोजपुर के आरा में। आरा में एक ऐसा यंत्र का आज शुभारंभ हुआ जिसके आपके प्रयोग से, उपयोग से आपकी बिजली का बिल पर काफी कटौती होगी। यह होगा तो कैसे होगा इसके बारे में मैं आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि यह कंपनी जो एक आई है आपके आरा भोजपुर में, यहाँ पर आप आकर इसकी बारे में विशेष जानकारी भी आप ले सकते हैं। देखिए, एक यंत्र है जिस यंत्र के उपयोग से आपके मीटर जो है वो तो चलता रहेगा, लेकिन मीटर का बिल आएगा वो काफी नियंत्रण में आएगा। आखिर यह होगा संभव तो कैसे होगा इसके बारे में इस कंपनी के MD मिस्टर विक्रम जी बताएंगे, और हमारे साथ मिस्टर रे हैं वो बताएंगे। लेकिन एक चीज बता दें कि इस चीज को शुभारंभ करने में बिहार, यानी बिहार का आरंभ हुआ तो क्यों हुआ, क्या कहेंगे मिस्टर विक्रम जी? ये सबसे पहले अपने पटना राजधानी के चुनकर अपने आरंभ चुना क्या कारण है? क्योंकि गांव देहात के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसानों को बिजली के लिए, और जहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे भाई लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, सबसे पहले हमारे मेहनती भाइयों को किस चीज का फायदा होना चाहिए। नहीं, आपने बिहार का राजधानी अगर पटना में करते तो इसका रिजल्ट पूरे बिहार के लोग जानता, देखता, पूरे ग्रामीण जो है पूरे बिहार का। आपने भोजपुर के आरा में किए, इसके पीछे क्या आपका मंशा रहा? हमारा मंशा ये रहा कि हमारे जो पांडे जी हैं इनकी अच्छा होल्ड है यहाँ पे, और जो हमारे इन्होंने जिस मंदिर के बारे में हमें बताया गया है यहाँ पे, उस मंदिर की बहुत मानता है पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमने सोचा अपनी शुरुआत हम यहीं से करें। तो विक्रम जी, क्या कोई ऐसा भी मंदिर आपके नजर में है जिसकी मान्यता पूरे भारत में, पूरे विश्व में ना हो? है तो हर स्टेट के अंदर, हर जगह पे, नहीं क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ऊपर से ये महंत है उस मंदिर के, इनकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो इनके ऊपर ज्यादा आशीर्वाद हो सकता है मेरे ख्याल से। मेरी सोच ये है। आपकी सोच ये है, और पटना में न करके आरा में करने के मकसद ये है? पटना में इसलिए नहीं करा, पटना एक बहुत बड़े लोगों की सिटी है, है? वहां पे बहुत लोग जाएंगे, और जब आरा का आदमी पटना के अंदर लॉन्च करेगा तो बात ही कुछ और होगी। आपने सुना मिस्टर विक्रम की बातों को? विक्रम ने बहुत कुछ कहा, आपने सुना भी, समझ भी चुके होंगे, लेकिन विक्रम के दिल में एक ऐसी बात है जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, और वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास राजधानी में रहकर नहीं होगा। कि इन्होंने पहले रूरल क्षेत्र को पकड़ा ताकि गांव के ग्रामीण जो है वो विकास करे, उनकी खेती सही हो सके, सिंचाई की व्यवस्था में उनको उपयुक्त हो सके। ये इस यंत्र के बारे में क्या कहेंगे, कैसे हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर मीटर, बिजली का बिल, कटौती, ये सब है तो संभव कैसे? हम आपको डेमो देकर दिखाते हैं। मैंने कैसे, पहले मौखिक बताइए कैसे, क्या करते हैं आप? मतलब जैसे हमारा जो मीटर है, हमने इस यंत्र को बनाया, जैसे मीटर, मीटर के बाद में एक MCB बोर्ड आता है, हर घर के अंदर होता है, उसके बाद में एक ऐसा पावर पॉइंट आता है, जैसे आलोक बच्चर उड़ाने की मशीन लगा जाती है, तो इसमें वहां लगा दो,
जितनी बिजली मीटर से आई इनपुट जब इससे बाईपास होगी तारों से तो ये उसको कैप्चर कर लेगा, इसके बाद वो आगे जाएगी मध्यम तरीके से, जितनी चाहिए उतनी ही आगे भेजेगा, जितनी नहीं चाहिए उसको रोक लेगा, वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, जैसे बाढ़ के लिए बांध बनाया जाता है उस तरह का बांध बना दिया हमने स्टार्टिंग में, यानी बिजली प्रवाह होती रहेगी, बिजली चलती रहेगी, बिजली चलती रहेगी, चलेगी मीटर भी चलेगी। हमने तो मीटर से छेड़छाड़ नहीं करा ना, मीटर तो बाहर लगा हुआ है, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम अपने घर के अंदर कुछ भी लगा सकते हैं ना, आलोक की मशीन भी तो लगाते हैं, बिजली जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी ही आगे जाएगी इस मशीन के माध्यम से, जितनी बिजली की जरूरत है उतना ही वो उपयोग में लगा उपयोग होगा, जिसके चलते आप बिजली का मीटर का रेंट कम होगा। बिल्कुल, तो अब जैसे अभी गाड़ी पहले B4 थी, अब B6 आ गई है, B6 क्यों लॉन्च हुई है, क्योंकि वो एवरेज अच्छी देगी। अब जैसे आज भी हिंदुस्तान के अंदर लोगों के घर में एसी लगे होते हैं, एक एसी आता है 20,000 रुपए का जो 2-स्टार है, एक एसी आता है 30,000 रुपए का वो 3-स्टार है, मैं उसमें थोड़ा कम बिजली का बिल हुआ, एक एसी आता है 50,000 रुपए का जो 5-स्टार है, उस 50,000 रुपए के एसी के अंदर क्या चीज लगी है जो बिजली कम कर रहा है। देखिए जैसा कि आपने कहा अभी हमारे दर्शकों के सामने कि ये रूलर में आपने ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर ग्रामीण लोगों को उत्थान के लिए आपने किया। आप जैसे पंप के लिए मोटर घर के अंदर सबमर्सिबल लगा होता है, लोगों को पानी की जरूरत होती है, उसके अंदर बिजली कम लगे, कंट्रोल से जाए, वेस्ट ना हो, ये सारे काम करेगा। देखिए आपने कहा कि रूरल क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लेकर आप, ग्रामीण के जो लोग हैं वो बड़े उत्साही है आज के डेट के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी ग्रामीण के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है, तो हमने भी यही सोचा जब हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं तो हम क्यों ना दें, उनका सपोर्ट क्यों ना करें। नहीं विक्रम जी, बात यहाँ आती है, पहले मैं बात करता हूँ विक्रम जी से, बात तो आपने हुई, आप ये बताइए कि इस मशीन की कीमत क्या होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काफी गरीब और कमजोर, आर्थिक कमजोर रूप से लोग रहते हैं, तो फिर उसके प्राइस के बारे में क्या कहेंगे आप। अभी इसका हमने इंडिया में करीब प्राइस जो है 6,000 रुपए के करीब रखा है, और अभी हम इंट्रोडक्टरी ऑफर भी दे रहे हैं यहाँ पर 25% इसको ऑफ में दे रहे हैं, इसको जो भी भाई बहन लेना चाहे वो ले सकता है, और 3 महीने का मनी बैक गारंटी है, कल को आपका बिजली का बिल नहीं कम होता है तो आप हमारे से आप अपने पूरे पैसे रिटर्न दे सकते हैं, पूरे पैसे। ये एक कंपनी मात्र ऐसी कंपनी है जो कि हम 100% मनी बैक गारंटी की आपको दे रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, कि आप हमारे को पहला बिल लाइए और हमारे 3 बिल 2 बिल लाइए, बात के डिफरेंस देखिए, डिफरेंस नहीं दिखता तो आप हमें पैसे दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर सरकार के कोई आर्थिक जो हानि जो लॉस हो रहा है बिजली के बिल को, आर्थिक कोई लॉस नहीं कर रहे हैं बिजली का, बिजली को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, बिजली का मीटर चल रहा है, हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, कोई टेम्परिंग नहीं कर रहे और कोई इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल चीज है, और इसका जो है आप जो डोमेस्टिक में करिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी आपको चैलेंज नहीं कर सकता, गवर्नमेंट अप्रूव चीज है और बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड चीज है, हमने बहुत ट्रायल किया है तब यहाँ पे लॉन्च किया है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र ये है आरा, आरके सिंह का, और आरके सिंह केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं, और उनके क्षेत्र में यह लॉन्च हुआ है, एक चुनौती है बिजली के बिल को कम करने का, जैसा कि आपने सुना कि कैसे करेंगे, वो भी मात्र 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए अगर आप नहीं है तो क्या इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिलेगा, इसके बारे में हम विचार करेंगे और कोई हम ऐसी लाएंगे ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सके, तो कि हम देखते हैं कि इसमें इसको स्कीम आ सकती है, हम लोकल देखेंगे और डेफिनेटली हम कुछ करेंगे इसके। चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इंस्टॉलमेंट अभी देने की विचार कंपनी कर रही है और आशा है कि आने वाला भविष्य यानी होली के अवसर पर आप लोग को इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाए, थोड़े थोड़े पैसे पर भी यह मशीन की आपकी उपलब्ध हो सके और इसका लाभ आप उठा सके। लेकिन यह मशीन काम करेगा तो कैसे करेगा, इसके लिए विक्रम जी आपको डेमो है प्रयोग करके आपको दिखा रहे हैं जी, आपको विक्रम जी कैसे यह मशीन काम करेगा जरा बताए आप। घर के बाहर लगा हुआ ये मीटर समझ लो हमारा, ये जिसमें बिल आता है ये वो मीटर है, उसके बाद में MCB बोर्ड आ गया, उसके बाद में ये एक पॉइंट आ गया जो घर के अंदर जिससे बिजली आती है, जिससे टीवी चलता है, फ्रिज चलता है, ये वो पॉइंट आ गया घर के अंदर, उसके अंदर इसको ऐसे लगा देने का है। अभी ये देखिए ये 7 के ऊपर है, कहाँ आ गया, कोई इसके अंदर फ्लक्चुएशन हुई, कोई करंट कम हुआ, कोई एम्पियर कम हुआ, नहीं ना, इसने 20% यहाँ कम कर दिया, सिर्फ एक 35
वॉट की ये चल रही है, ये कॉइल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे एसी फ्रिज इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और आपका 20-40% तक बिजली का बिल जो अमाउंट आता है उसको कम करेगा, इसको कम करेगा। अब एक बार और देख लीजिए, ये देखिए हमने ऑफ कर दिया यहाँ से, समझ लो ये फ्रिज बंद हो गया है। एक साल की गारंटी है, सिर्फ ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और इसके पीछे यहाँ पे एक डेट लिख दी जाएगी, वो डेट के ऊपर जैसे आज की डेट जो भी है आज यहाँ पे डेट लिख दी जाएगी, इससे एक साल तक टूट फूटा नहीं होना चाहिए, खराब होता है तो ये नया मिलेगा आपको, नया मिलेगा, एक्सचेंज है ना कि रिप्लेसमेंट है, ये ठीक करके नहीं देंगे, नया ही भेज देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज करके देंगे, टोटली नया दे देंगे, टोटली नया देंगे। रेडिएशन चिप है, ये जो चिप है ये आपको जो रेडिएशन है इंटरनेट की, मोबाइल की या किसी चीज की भी, उस रेडिएशन से बचाती है और बकायदा इसका हम लाइव डेमो देके दिखाएंगे ये कैसे बचाती है। आज की डेट में मोबाइल को लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मत रखो, जिम में मत रखो, इस पे असर होगा क्योंकि उसके अंदर रेडिएशन होता है, तो इस चिप ये उस रेडिएशन को कंट्रोल करती है। अब इसका हमारे जो ये भाई हैं ये आपको ये लाइव डेमो देके दिखाएंगे ये चिप के अंदर ये कैसे आपके शरीर के ऊपर काम करते हैं। अब ये लाइव डेमो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है चिप नहीं लगी हुई। अब देखिए इससे अभी तो वैसे झुकी रहे, कितनी और तेजी से झुकेंगे बता दीजिए। मैं देखा ये और तेजी से नीचे उतर। अब ये हमारा फोन, अब ये हमारा फोन जिसके अंदर ये चिप लगी हुई है तो इससे इनके अंदर कितनी पावर आ जाएगी, अब आपके सामने खुद आएगा कितनी अच्छी तरह से इनके अंदर पावर आ जाएगी, रेडिएशन खत्म कर देगा ये देखो ये पूरी ताकत लगा रहा है जबकि उसके बावजूद ये नीचे नहीं हो रहा है, कितनी ताकत लगा रही उसके बावजूद नीचे नहीं हो रहा है। आपके अंदर कुछ फुर्ती आई अंदर, लगातार भारी लग रहा है, भारी लग रहे हैं कि रेडिएशन खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ये चिप काम कर रही है। आज की डेट में लोग खाने पीने में उल्टे सीधे कामों में पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन अपने से अपनी हेल्थ बचाने वाली चीज के ऊपर, ने देखा यह चिप से कितना लाभ है और यह भी देखा कि बिजली का बिल कम कैसे होगा। इसके बारे में आपको एक डेमो प्रैक्टिकली करके प्रयोग करके आपको विक्रम ने दिखलाया और बताया कि इसकी एक साल की गारंटी है, आपको ये पूरी अगर खराब होती है एक वर्ष के अंदर तो इसको पुनः बदलकर दूसरा कॉपी दूसरा सेट आपको प्रदान होगी। उम्मीद है कि माँ आरण्य ट्रेडर्स के द्वारा जो यह नई प्रयोग नया चीज आप सभी के लिए लाया गया है, उम्मीद है कि आप सभी उपयोग करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। पुनः एक बार सभी भोजपुर वासियों की ओर से, भोजपुर दर्शन के सभी दर्शकों की ओर से विक्रम जी आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामना कि आपने इस जैसे आरा जैसे भोजपुर जैसे जगह को आपने सिलेक्शन किया और यहाँ के लोगों के लिए आप एक नई चीज दिया। मिस्टर जॉर्ज आपको भी बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बधाई।